Hi, myself Dhaval Patel, authentic astrologer, and my mobile number is 9426838291. आज हम कुछ बात करेंगे स्टॉक मार्केट के लॉस के ऊपर, ठीक है? क्यों होता है इंट्राडे में इतना बड़ा लॉस? ठीक है, वॉरेन बफेट जैसे, वॉरेन बफेट साहब की कुंडली में भी अच्छे खासे कॉम्बिनेशन, गुड कॉम्बिनेशन होने के बाद भी, ठीक है, उनको भी 2023 में करीबन 13 मिलियन लॉस हुआ, ठीक है, यह आप देख सकते हो। उनको करीबन 13 मिलियन का 2023 में करीबन 13 मिलियन का लॉस हुआ। उनके ऐसे क्या कॉम्बिनेशंस थे, और पर्टिकुलर हमारे हॉरोस्कोप में ऐसे क्या कॉम्बिनेशंस को देख के हम ट्रेड कर सकते हैं, इंट्राडे हो या पर्टिकुलर पोजिशनल हो, पर्टिकुलर ऐसे कौन से साल में हमको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर हम डिटेल देखने की कोशिश करेंगे। तो जिसने पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अच्छी एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, क्या हमारे ग्रुप में ऐसा कौन सा टाइम ऑन है हमको इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट ही करनी चाहिए, ये सभी हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे उनको ऐसी फ्रूटफुल नॉलेज मिलती रहे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे पर्टिकुलर उनके हॉरोस्कोप में ऐसा क्या, तो उनकी ग्रोथ करीबन उनकी ट्रेडिंग जर्नी या इन्वेस्टमेंट जर्नी में अच्छा सा गैन हुआ, और इतने बड़े खिलाड़ी के बाद भी ऐसे क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं जो हमको लॉस भुगतना पड़ता है। 13 मिलियन कोई मामूली अमाउंट नहीं है, और मार्केट में ऐसे कई सारे ट्रेडर्स हैं जो मोर देन 1 करोड़ का लॉस कर चुके हैं। जैसे यहाँ एक अभिषेक कर ने एक सबने वीडियो बनाया हुआ था, या उन्होंने कुछ वो ट्रेडर के लॉस के बारे में जिक्र किया, और फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं 52 लाख रुपीस का आज इंट्राडे में लॉस किया है एक जीव्स नाम के ट्रेडर ने। हम उनको तीन चीजें इधर से सीखनी है, इसलिए मैं ये शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज है, हमारे देश को एक बहुत बड़ी आदत लगी हुई है कि हम ना हमेशा कोई भी नुकसान करता है या बैंकरप्ट होता है या कोई नीचे जाता है मजाक उड़ाते हैं। हमको सबसे पहली चीज समझनी है, कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता। जीव्स इज अ गुड ट्रेडर, अनफॉर्चुनेटली आज उनके साथ ये इवेंट हुआ है, तो सबसे पहली चीज है हमें सीखने पर ध्यान देना। दूसरी चीज है, आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर उन्होंने खुद ने एडमिट किया, जो मेरे को व्हाट्सएप फॉरवर्ड भी आया है, उसमें उन्होंने क्लियरली खुद एडमिट करा है कि मैं मार्केट के अगेंस्ट फाइट करने लग गया था, इसलिए मेरे काफी सारे मंथ्स का जो मेरा इनकम था वो चले गया है एक ही दिन के ट्रेड पे। तीसरी चीज है, आपको हमेशा रिलेटिव टर्म्स में देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल, काफी सारे लोगों के लिए 5000 का नुकसान भी बहुत बड़ा हो सकता है। यहाँ पर 51-52 लाख रुपीस का जो नेट लॉस आ रहा है, दिस इज ऑन अ कैपिटल ऑफ 1.83 करोड़। लाइकवाइज अगर 10 करोड़ के कैपिटल वाला 1 करोड़ या 2 करोड़ करता है, दैट इज मच डिफरेंट देन अगर 1 लाख के कैपिटल वाला पूरा 1 लाख का नुकसान करता है। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, मार्केट ने आज एक और बार ये चीज प्रूव कर दी कि मार्केट इज सुप्रीम, और मार्केट के अगेंस्ट आप जब भी जाओगे तब आपको पछताना पड़ेगा। आपकी क्या लर्निंग रही है इस साल स्टॉक मार्केट से, कमेंट्स में जरूर बताइएगा, लाइक और शेयर करना ना। ठीक है, और एक दूसरी वीडियो है, ट्रेडिंग में 1.24 करोड़ रुपीस का एक साल में लॉस, ये मेरा नहीं है, ये एक अच्छे ट्रेडर अमित नाम के ट्रेडर जी का है, जो कि काफी अच्छे ऑप्शन बायर है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये बंदा हमको डराने के लिए आया है, ये सिर्फ ये बताने आया कि ट्रेडिंग में कितना नुकसान होता है, क्योंकि ये बंदा पिछले 4 साल से सबको आके बस यही बताता है कि ट्रेडिंग में किसी को नुकसान हो गया, ट्रेडिंग के डार्क सीक्रेट्स, ट्रेडिंग के डार्क साइड। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो का ये उद्देश्य नहीं है। अगर आप ध्यान से एक चीज नोटिस करेंगे, रियलाइज्ड पीएनएल यहाँ पर आपको दिखेगा साल भर का 69 लाख रुपीस का है, लेकिन जो चार्जेस एंड टैक्सेस हैं वो 54.13 लाख रुपीस हैं। तो यहां से हमें एक लेसन ये भी समझना जरूरी है दोस्तों, विदाउट जजिंग एनी ट्रेडर, कि आप जो चार्जेस और टैक्सेस पे कर रहे हैं वो एक सिग्निफिकेंट चंक खा जाता है आपके प्रॉफिट का एज अ सक्सेसफुल ट्रेडर। इसलिए आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स कम रखने पड़ेंगे और राइड ज्यादा करना पड़ेगा। इसी कारण पे स्कैल्प ट्रेडिंग पे आप 1-2 करोड़ तक तो स्केल कर लोगे, उसके ऊपर स्केल करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज वहां पर आपके ट्रांजैक्शन कॉस्ट और टैक्सेस ज्यादा पड़ते हैं। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक और शेयर करें, ठीक है। तो पर्टिकुलर उन्होंने यहाँ क्लियरली बताया हुआ है कि नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ जाने से इंट्राडे ट्रेडर में एक
माइंड की साइकोलॉजी होती है कि नंबर ऑफ ट्रेड्स उनके बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे करेक्ट टाइम पे ही ट्रेड करना बहुत ही मायने है, ठीक है। करेक्ट सेटअप पे रख के ही मिनिमम ट्रेड करके मैक्सिमम प्रॉफिट का अर्न होना बहुत ही मायने है, ठीक है। तो हमारी सिस्टम है एग्जैक्ट टाइम पे आपको कौन से टाइम पे पिक आएगा वही टाइम पे ट्रेड करने की कोशिश करिए। यही हमारी फिनेंशियल ऑफ एस्ट्रोलॉजी की जो नॉलेज है वो टाइम को प्रिडिक्ट करती है, ठीक है। टाइम जोन ऑन होने से पूरा दिन हमको बैठना नहीं पड़ता, हमारी टाइम की सेविंग होती है। एक जो स्ट्रेस ट्रेडिंग होती है वो फियरलेस हो जाती है और हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। तो फिनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट यही है टाइम पे पिक करना, ठीक है। तो अपने ट्रेड को कैसे मैनेज करना, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना रखना, वो भी आपको मून की केपी साइकिल अगर नॉन होती है तो इजी वे में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बफेट जैसे वॉरेन बफेट सर की कुंडली में भी ऐसे क्या कॉम्बिनेशन थे केपी के हिसाब से, ठीक है। तो उनकी जर्नी इन्वेस्टमेंट की जर्नी बहुत ही बढ़िया हुई और ये 2023 में ऐसे उनके स्लो प्लैनेट वाले स्लो प्लैनेट्स की कौन से नक्षत्र से हो रही थी जो उनको 13 बिलियन का लॉस भुगतना पड़ा, ठीक है। तो वो सभी देखने की कोशिश करेंगे। उनका बर्थ हुआ है 30 अगस्त 1930 3 दोपहर के 3 बजे, ठीक है। तो उनकी होरोस्कोप के हिसाब से केपी के क्या कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं या आप देख सकते हो, ठीक है। तो केपी के कॉम्बिनेशन के हिसाब से, ठीक है, हर होरोस्कोप में सेकंड हाउस इज अ वेल्थ हाउस, सेवंथ इज अ बिजनेस, सिक्स्थ हाउस इज अ जॉब, टेंथ हाउस इज अ कर्मा, इलेवंथ इज अ बेनिफिट। 2, 6, 7, 10, 11 के कॉम्बिनेशंस होते हैं। जो भी प्लेनेट की महादशा या अंतरा चलती है तो वो पर्टिकुलर महादशा और अंतरा में आप अच्छा खासा गेन कर सकते हो, ठीक है। 2, 6, 7, 10, 11 लिखना है तो लिख लीजिए, ठीक है। ये हाउस पर्टिकुलर प्लेनेट के नीचे के नक्षत्र या सब लॉर्ड में जब जब भी और वो पर्टिकुलर प्लेनेट की महादशा या अंतरा चलती है तब तब अच्छा खासा गेम आप खड्डे में पे सुहाग मिलेगा, ठीक है। तो ये होती है, उसके साथ साथ ये कॉम्बिनेशंस जब जब भी होते हैं तो अच्छा खासा फिनेंशियल या पर्टिकुलर ट्रेडिंग से आप अच्छा खासा गेन कर सकते हो। और ऐसे नेगेटिव कॉम्बिनेशन तो फर्स्ट हाउस 8th हाउस इज अ खड्डा और 12th हाउस लॉस, ठीक है। तो 1 8 12 जैसे नेगेटिव कॉम्बिनेशन होते हैं तो एक आपको चाहे कितना भी आप पर्टिकुलर इंट्राडे ट्रेडिंग कर लो आप गेन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये केपी के हिसाब से कुछ कॉम्बिनेशन। उसके साथ साथ जो प्लैनेट्स होता है वो प्लैनेट की जो महादशा चलती है वो प्लैनेट का पावर कैसा है, तो हमारा जो मून नक्षत्र बर्थ नक्षत्र है मून का उससे है तीसरा नक्षत्र, पांचवा नक्षत्र, सातवा नक्षत्र, 12वां 14वां 16वां और 21वां 23वां और 25th नक्षत्र और नेगेटिव नक्षत्र है उससे जब जब भी स्लो प्लेनेट जुपिटर और जैसे प्लैनेट्स का मूवमेंटम होता है तब नेगेटिव लॉस होता ही होता है, ठीक है। तो मून नक्षत्र से कौन सा नक्षत्र देखना है आपको नोन। उसके साथ साथ सन नक्षत्र से भी 21वां 22वां 23वां 24वां 25वां नक्षत्र नेगेटिव नक्षत्र है। इस नक्षत्र से मून सन का बर्थ नक्षत्र है उससे 21, 21, 22, 24 का नक्षत्र से जब जब भी स्लो प्लैनेट्स मूवमेंट करते तब जाके एक फिनेंस लो। तो वो पर्टिकुलर प्लैनेट की इंटेंसिटी अगर ज्यादा नेगेटिव करने की 1 8 12 जैसे नेगेटिव कॉम्बिनेशंस देते हैं सैटर्न राहु केतु और जुपिटर, अगर 1 8 12 जैसे नेगेटिव कॉम्बिनेशन देते हैं और सन नक्षत्र से ये पर्टिकुलर 21 से 24 नक्षत्र से जब गोचर करता है तब एक फिनेंशियल लॉस होती ही होती है। यानी मूल नक्षत्र से कौन से नक्षत्र का नेगेटिव नक्षत्र है और सन नक्षत्र से कौन सा नक्षत्र नेगेटिव नक्षत्र है वो नॉन होना बहुत ही मायने। अब वॉरेन बफेट साहब की कुंडली को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी केपी के हिसाब से क्या कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। 2 7 11 के कॉम्बिनेशन एट प्रेजेंट उनकी जुपिटर की दया चल रही है और 2 7 जैसे 11
उससे पहले 2022 से पहले उनकी राहु की दशा चल रही थी, करीबन 2004 से लेके 2022 तक उनकी ही राहु की दैया चल रही थी। और राहु का जो नक्षत्र है वो 2, 6, 7, 10, 11 जैसे कॉम्बिनेशंस दे रहा था, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही फ्रूटफुल है। तो आप देख सकते हो वॉरेन बफेट साहब की जर्नी 2004 से लेके करीबन 2022 तक, ठीक है। अब उनके एट प्रेजेंट जुपिटर की दैया चल रही है। और 2023 के थर्ड क्वार्टर में ऐसा क्या हुआ, तो यहाँ देख सकते हैं उनका जो मून बर्थ नक्षत्र है, मून का जो बर्थ नक्षत्र है वो अनुराधा नक्षत्र है। और यहाँ आप देख सकते हो कि 17वां नक्षत्र वो अनुराधा नक्षत्र है। उसके हिसाब से देखा जाए तो मून नक्षत्र से, जैसे मैंने बताया कि तीसरा नक्षत्र 5वां, 7वां, 12वां, 14वां, 16वां, 21, 22, 23rd एंड 25th नक्षत्र नेगेटिव नक्षत्र हो, तो सैटर्न जो था वो थर्ड क्वार्टर में 2023 में धनिष्ठा नक्षत्र में था। और उनका जो प्लेसमेंट है मून नक्षत्र के हिसाब से, और धनिष्ठा नक्षत्र नेगेटिव नक्षत्र था और राहु अश्विनी नक्षत्र में था थर्ड क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर ऑफ 2023, ठीक है। तो राहु और सैटर्न का जो प्लेसमेंट था वो उनके लिए नेगेटिव था। तो नेगेटिव स्लो प्लैनेट्स को हम करके चलना बहुत ही मायने है, ठीक है। स्लो प्लैनेट की जो प्लेसमेंट होती है गोचर में वो हमारे लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये पर्टिकुलर इस चार्ट से आपको क्लियरली दिखाई जाती है, ठीक है। तो उनकी सैटर्न जो बड़ा गेन एंड बड़ा लॉस का कारक है, ठीक है। तो उनका सैटर्न और राहु का प्लेसमेंट था वो उनके लिए नेगेटिव था, और तब जाके उनको एक 13 मिलियन का बड़ा लॉस हुआ, ठीक है। ये उसके पीछे का लॉजिक था एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, सर्वोत्तम भद्रचक्र के हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गई बात पर्टिकुलर वॉरेन बफेट से। क्या आपकी ही कुंडली में भी आपका मून जो बर्थ नक्षत्र है उससे ये जो एट प्रेजेंट राहु सैटर्न केतु एंड जुपिटर का प्लेसमेंट नेगेटिव है, तो वो पर्टिकुलर टाइम के आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, उस पर्टिकुलर टाइम के आपको मार्केट से दूर रहना चाहिए, ठीक है। क्या इंट्राडे ट्रेडर भी 15 डेज की होल्डिंग के जरिए, 15 डेज की एक जोन होता है सन नक्षत्र का, सन नक्षत्र एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में 15 डेज लगाता है। तो पर्टिकुलर सन नक्षत्र एट प्रेजेंट कौन सा चल रहा है, जैसे आपका अनुराधा नक्षत्र है तो सन एट प्रेजेंट अगर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, पूर्व षाढ़ा नक्षत्र में, तो आपके लिए वो 15 डेज पॉजिटिव है, ठीक है। जब वो जाके धनिष्ठा सन धनिष्ठा में से गोचर करेगा तब जाके आपको वो 15 डेज ट्रेड नहीं करना चाहिए अनुराधा नक्षत्र में, अनुराधा नक्षत्र में जिसका भी बर्थ हुआ है। तो ऐसी ही फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारी पर्टिकुलर हमको पिंग कर सकते हो 9428683291, ठीक है। कौन से 15 डेज या पर्टिकुलर कौन से 6 मंथ में आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके केपी की कॉम्बिनेशन 2, 7, 10, 11 के जैसे आ रहे हैं और आपका राहु सैटर्न केतु और जुपिटर जैसे प्लैनेट्स आपके लिए पॉजिटिव मोमेंटम दे रहे हैं, तो आपके लिए 6 मंथ या पर्टिकुलर 1 साल की इन्वेस्टमेंट आपके लिए फ्रूटफुल हो सकती है, ठीक है। ये सभी जानने के लिए हमको पिंग कर सकते हो 9428683291 पे, ठीक है। अगर ये मेरा लॉजिक अच्छा लगा हो और आप भी पर्टिकुलर और ज़्यादा लॉस भुगत सकते हो और आपको इन्वेस्टमेंट करने के एक उत्सुकता है, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर हमारे बर्थ नक्षत्र से या पर्टिकुलर बर्थ डेट बर्थ टाइम से हम पर्टिकुलर जान सकते हैं। तो कोई भी लोग पर्टिकुलर इसको डिटेल में जानना चाहते हो तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9428683291। ऐसी फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है दोस्तों। थैंक्स अ लॉट।